मध्य प्रदेश सरकार अपने आप को किसान हितैषी बताती है। सरकार लाख दावे करे लेकिन जब किसानों को आवश्यकता पड़ती है तो सरकार के दावों की पोल खुल जाती है। किसान को चाहे खाद की आवश्यकता हो या बीज की, या चाहे बेचने का समय हो, हर जगह किसान को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इन दिनों शासन प्रशासन उत्सव मनाने में व्यस्त है, जबकि किसान बिना खाए पिए लाइन लगाकर खाद के लिए परेशान हो रहा है। इन दिनों किसानों को खाद की आवश्यकता है, जिसके लिए तीन तीन दिन से किसान लाइन में लगे हैं। बिना खाए पिए भूखे किसान 3 बजे रात से लाइन में लगे होते हैं। शाम को 5 बजे जब उनका नंबर आता है तो काउंटर बंद कर दिए जाते हैं और अगले दिन आने की बात कह दी जाती है। दिन भर का भूखा प्यासा किसान लौट कर घर जाता है और फिर सुबह 3 बजे से आकर लाइन लगा लेता है। बुधवार को जहां कुछ किसानों ने घूस के रूप में शराब लेकर टोकन देने का आरोप लगाया, तो वहीं शाम होने के बाद किसानों के बीच विवाद हुआ और जमकर मारपीट हुई। पूरी परेशानी का कारण दलालों का सक्रिय होना है। दलालों के सक्रिय होने के चलते जिनके जन प्रतिनिधियों के संपर्क हैं, अधिकारियों के साठ गांठ हैं, उन्हें फोन का टोकन दिलाया जा रहा है और जिनके नेताओं से संपर्क नहीं है वह किसान धक्के खाते हुए खाली हाथ घर लौट जाता है। आइए सुनाते हैं किस तरह से बीज खाद के लिए महिला किसान से लेकर वृद्ध तक परेशान हो रहे हैं। यहाँ कब से लगे हुए हैं? हम लोग 3 बजे रात से लगे हुए हैं सर। अभी तक नहीं पहुंच पाए, कोई खाना भी नहीं, खाना सीम नहीं हुआ तो खाना क्या खाएंगे? अभी तक वहाँ नहीं पहुंच पाए। अरे पहुंच नहीं पाए, जिसका चलता वही उसको मिलता है, मैं किसी को मिलता ही नहीं है सर। ये 3 लेडीज लगी, कोई बिना खाए हुए बैठी हुई है, क्या कोई किसी को सुनता नहीं है? 3 बजे से हम लोग 3 बजे से हम लोग बैठे हैं, बिना नियम के भी ले रहे हैं ना सर। यहाँ 1450 रुपए में से बेचते, खुला बेचते हैं 3 बजे एक आदमी को, 1450 रुपए में खुला, वहाँ 4 बजे के बाद बेचते हैं। टोकन देंगे तो 7 बजे के बाद टोकन देंगे, उसको सगे संबंधी उनको टोकन देते हैं, किसी टोकन देते ही नहीं है, हैं? बाकी तो वो आए, खाद नहीं है। सोमवार से आ रहा हूँ, आज बुधवार है, आज बुधवार की नहीं है, खाद किसी को नसीब नहीं हुआ। हम लोग क्या करें, किसान क्या करें? हम लोग ग्राम पंचायत झलवार से सिमरिया विधानसभा से, हैं? कोई सुनता नहीं है। कल 4 बजे से लगे सर, तो जब पहुँचे यहाँ खिड़की के पास, खिड़की बंद हो गई, टाइम हो गया था, फिर रात 4 बजे से आए तो 3रा नंबर था, तो फिर बोले कि ये टोकन वाली लाइन में लग जाओ, तो 40 नंबर में हो गए, तो उधर मारपीट हो गई, बंद खाद्य मारपीट आपस में किसानों की हो गई लाइन लाइन में, तो हाँ 40 में चले गए सर, कि साहब लोग बोले कि व्यवस्था से टोकन वाले लग जाइए तो टोकन नंबर से आपको खाद मिलेगी। अब यहाँ टोकन नंबर से खाद नहीं मिल रही है, यहाँ दलाल लोग टोकन अंदर जा के ले ले लेके अपने आदमी पहले घुसेड़ देते हैं, बीच बीच में टोकन घुसेड़ते जा रहे हैं जैसे नंबर आ रहा है। दलाली के लिए पैसे भी मांगे जाते हैं? हाँ, दलाली के लिए पैसे भी मांगे जाते हैं, उनकी सेटिंग है, सब फोन में सेटिंग है। आपका क्या नाम है? समर बहादुर सिंह। कहाँ से आए? कचूर, JP सीमेंट के पास। हमें चाहते हैं सब कि